हेलो सो नेक्स्ट चैप्टर अपना पैराबोला तो पैराबोला कंसीडर किया जाता है कोनिक सेक्शन कोनिक्स एक ही बातें तो कोनिक सेक्शन में हम लोग तीन चैप्टर पढ़ते हैं पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला तो कोनिक सेक्शन में तो so, हम लोग पहले पैराबोला पढ़ेंगे पर पैराबोला को पढ़ने से पहले कोनिक सेक्शन का थोड़ा और डिटेल तो so, हो क्या रहा है कि कौन कोनिक सेक्शन मतलब कौन कौन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर अगर कट करते हैं तो देर इज़ अ कौन तो इस कोन को एक प्लेन एक कोन दे रखा है आ, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ द कोन और ये जो है एंगल इसको बोलते हैं कोन एंगल तो ये बीटा कोन एंगल है तो देर इज़ अ कोन, अब इस कोन को अगर मैं एक प्लेन से कट करता हूँ तो प्लेन कोन एक्सेस के साथ एक एंगल बनाएगा दैट इज़ अल्फ़ा एंगल तो अगर दिस अल्फा इज इक्वल टू तो नाइन्टी डिग्री तो उस समय जो प्लेन पे क्रॉस सेक्शन मिलेगा दैट इज़ सर्कल तो ऐसा दिखेगा तो जो प्लेन होगा वो इस तरह से होगा और क्रॉस सेक्शन जो बन रहा होगा वो सर्कल बन रहा होगा फिर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो इसको कम करते जाएंगे तो यानी अल्फ़ा विल बी लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन बीटा तो उस केस में क्या होगा प्लेन कुछ इस तरह से होगा तो ये प्लेन इस तरह से होगा ये एंगल अल्फ़ा होगा और ये बीटा से बड़ा लेकिन 90 से छोटा होगा तो उस केस में क्या मिलेगा एलिप्स मिलेगा फिर अगर उस प्लेन को अगर एंगल प्लेन का एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो गया तो उस समय क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा पैराबोला अब सर्कल क्लोज होता है एलिप्स क्लोज होता है पर पैराबोला अनबाउंडेड होता है तो ये ओपन कर्व होता है तो अ पैराबोला तो ये ऐसे चलता ही रहेगा तो दिस इज ओपन कर्व एंड अब और एंगल कम करते गए मतलब प्लेन ये एंगल और कम करते गए बीटा से भी कम कर दिया लेकिन जीरो से बढ़ा है तो उस केस में क्या मिलेगा हाइपर बोला तो वो ये होगा तो इस केस में जो ये एंगल होगा प्लेन का एक्सेस के साथ में वो बीटा से कम होगा लेकिन जीरो से ज़्यादा होगा सिमिलरली अगर कोन को अगर उसके वर्टेक्स से प्लेन पास करें वर्टेक्स से अगर प्लेन पास करें तो पिछली पिछले स्लाइड में हमने क्या किया कोन को बीच में से प्लेन कट कर रहा है लेकिन इस बार जो प्लेन है वो वर्टेक्स से जा रहा है तो ये जो है ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है एक्सेस के साथ में एक्सेस ऑफ कौन के साथ में तो दिस अल्फा इज़ इक्वल टू तो नाइन्टी डिग्री लेस देन इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो उस केस में क्या मिलेगा पॉइंट मिलेगा ये जो एक पॉइंट मिल रहा था करते करते इफ इट इज़ ग्रेटर देन बीटा लेकिन इफ़ अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो उस केस में क्या होगा प्लेन कोन को टच कर देगा तो उस केस में क्रॉस सेक्शन में एक लाइन मिलेगी फिर अल्फा इज लेस देन बीटा बट ग्रेटर देन जीरो तो इस बार क्या होगा प्लेन कोन के अंदर घुस जाएगा तो प्लेन कोन के अंदर ऐसा घुस जाएगा तो प्लेन अगर कोन के अंदर घुस जाएगा तो क्रॉस सेक्शन में क्या होगा तो ऐसे दो लाइंस दिखेंगी क्रॉस सेक्शन में तो ये दो लाइंस देखेंगे तो उसको बोलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो तुम अगर देखोगे तो कॉनिक्स को अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल uh, पे प्लेन कट करता है तो हमें सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पॉइंट लाइन और पैरा स्ट्रेट लाइन मिलता है नेक्स्ट है की डेफिनेशन। तो कोनिक्स की एक डेफिनेशन है। तो की डेफिनेशन क्या है कॉनिक्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट ये भी एक पॉइंट का लोकस है और कोई अगर लोकस होता है तो देर मस्ट बी अ कंडीशन तो कंडीशन क्या है विच मूव्स in a plane such that the ratio such that the ratio of its distance such that the ratio of its distance from a fixed point from a fixed point to its perpendicular distance from a फिक्स लाइन इज कॉन्स्टेंट तो क्या हो रहा है एक पॉइंट का लोकस एक पॉइंट का लोकस कंडीशन क्या है कि रेशियो किसका रेशियो कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन का रेशियो कॉन्स्टेंट आएगा तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं देर इज अर इज अ फिक्सड लाइन तो दिस इज अ फिक्सड लाइन एंड देर इज अ फिक्स पॉइंट तो दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट थोड़ा और फिक्स लाइन तो देन यू नो द इक्वेशन तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो कर लेते हैं और देर इज अ फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं तो देर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट का मैं सिंबल दे देता हूं एस तो देर इज अ वेरिएबल पॉइंट एच कॉमा के इज मूविंग इन सच ए वे दैट इज मूविंग इन सच ए वे दैट सो द फिक्स पॉइंट इज मूविंग इन सच ए वे दैट डिस्टेंस द रेशियो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन तो फिक्स पॉइंट से हो जाएगी पी एस फिक्स पॉइंट हो जाएगी पी एस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हो जाएगी पी एम तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा एंड दिस कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड एज ई अच्छा कन्फ्यूज मत हो जाना ये ई e कौन है ये ई e नैपीएस कॉन्स्टेंट नहीं है ये ई वो नंबर नहीं है ये ई वो uh, वाला नहीं है ये ई है तो द पॉइंट इज मूविंग इन सच वे दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द एंडिक्स लाइन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज नोन एज अ कोनिक्स में तो सर्कल पैराबोला एलिप्स साइड बोला आता है तो फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ ई इट इज अ डिफरेंट कोनिक सेक्शन ये धीरे धीरे और हम लोग देखते जाएंगे फॉर ए डिफरेंट फॉर ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ ई इट इज अ डिफरेंट कोनिक सेक्शन एंड ऑब्वियसली ई शुड भी ग्रेटर देन जीरो क्यों ई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो रेशियो मस्ट भी पॉजिटिव तो ई e की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट कोनिक सेक्शन आएगा यानी सर्कल पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला लेकिन हम लोग सर्कल कोनिक सेक्शन में नहीं पढ़ते हैं वो सर्कल कॉनिक सेक्शन में क्यों नहीं पढ़ते वो अभी समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझ में आएगा कि हम सर्कल कॉनिक सेक्शन में क्यों नहीं पढ़ते हैं तो पी एस अपॉन पी एम इज इगल टू ई तो इट्स अ कोनिक सेक्शन नेक्स्ट द फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ फोकस द फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ फोकस एंड द फिक्स लाइन इज नोन एज अ डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस ई इज नोन एज अ सिटी दिस ई इज नोन एज अ एसेंट्री द फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ फोकस द फिक्स लाइन इज नोन एज अ डायरेक्टिक्स एंड ई इज नोन एज अ एसेंट्री सिटी थोड़ा और अब अगर मैं पी एस अपऑन पी एम इजिकल टू ई को एक्सपैंड करके देखूँ तो पी एस इजल टू ई पी एम पी एस होगा पॉइंट पॉइंट का डिस्टेंस अब यह पॉइंट पॉइंट के डिस्टेंस में स्क्वायर रूट का टर्म आता है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड ताकि वो स्क्वायर रूट चले जाए तो पी एस स्क्वायर इजिकल टू ई स्क्वायर इन टू पी एम स्क्वायर पी एस स्क्वायर हो जाएगा एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर होगा पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस वह आएगी एच एल प्लस के एम प्लस एन अपॉन रूट ओवर कोफिशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशन ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि पीएम स्क्वायर के है तो अगर अपन इसको एक्सपैंड करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा वाई स्क्वायर का टर्म आएगा एक्स वाई का टर्म आएगा एक्स का टर्म आएगा वाई का टर्म आएगा कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, आएगा और ये कौन होता है ये होती है सेकेंड डिग्री का तो इससे क्या पता चला जब चैप्टर हम लोगों ने पैरों स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो दो लाइन को मल्टीप्लाई करके देखा तो वो भी एक सेकेंड डिग्री कर्व आया जब हमने सर्कल चैप्टर की डेफिनेशन से x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इजिकल टू रेडियस स्क्वायर जब इसको एक्सपेंड किया तो वो भी सेकेंड डिग्री कर्व आया और जब कोनिक्स कोनिक्स को तो कोनिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से पी एस अपॉन पी एम इजिकल टू ई को अगर एक्सपेंड किया तो वो भी एक सेकेंड डिग्री कर्व आया तो स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री कर्व है सर्कल सेकंड डिग्री कर्व है कॉनिक सेकंड डिग्री कर्व है तो फिर एक क्वेश्चन उठता है सेकंड डिग्री कब 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 ये रिप्रेजेंट करेगा तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि सेकंड डिग्री कब 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 इसको रिप्रेजेंट करेगा